नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, पंजाब में सरकार बनी तो हर महिला को मिलेंगे 1,000 रुपए। टीएमसी सांसदों ने त्रिपुरा में अपने नेताओं कार्यकर्ताओं पर हमले पर जताई चिंता, गृह मंत्री को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली में बीते 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 29 नए केस, 45 कोरोना मरीज हुए डिस्चार्ज। पंजाब में 24 दिसंबर को होंगे चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव, 27 दिसंबर को आएंगे नतीजे। एयरफोर्स के ग्रुप कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र, पाक फाइटर प्लेन मार गिराने के लिए दिया गया सम्मान। कृषि कानूनों को वापसी के बाद अब सीए कानून को भी वापस लेने की मांग जोर पकड़ने लगी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार एनपीआर और एनआरसी कानून लाएगी तो हम एक और नया शाहीन बाग खड़ा कर देंगे। आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर सीएम वाईएस जगन ने की समीक्षा, अब तक 34 मौत, 10 लोग लापता। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 8,480 से ज्यादा नए मामले सामने आए, वहीं 240 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई। कनाडा सरकार ने कोवैक्सीन लगाने वालों की एंट्री को दी मंजूरी, अगले हफ्ते से लागू होगा फैसला। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।